नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी नाम की बीमारी से जूझ रहे 10 महीने के आयांश को 16 करोड़ रुपए की दरकार है, जिसके लिए आयांश के परिवार वाले लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का चक्कर काट रहे हैं। दरअसल इस 10 महीने के बच्चे आयांश को जो बीमारी है उसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन ये पैसे इतने ज्यादा है इसकी वजह से आयांश के परिवार वाले इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो उन्होंने लास्ट में अंतिम में ये तय किया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह से उनके बच्चे के इलाज के लिए 16 करोड़ की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद जब इतने दिन हो गए हैं इस आयांश के बीमारी को लेकर, इसके बावजूद कई लोगों ने आयांश के परिवार वालों की मदद की, लेकिन ये मदद राशि बहुत कम मिली, इसलिए वो लोग अंतिम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की तरफ से केवल उन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है। कई दिन हो गए इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को अब तक सीरियसली नहीं लिया है। आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह बताते हैं कि वो पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री के आवास का चक्कर काट रहे हैं, सिर्फ ये उनसे बर्खास्त है कि किसी भी तरह की मदद राशि उन्हें दे दी जाए ताकि उनके बच्चे का जल्द से जल्द इलाज हो सके। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के पास इतना भी समय नहीं है कि वो एक छोटे से 10 माह के बच्चे के लिए कुछ मदद कर पाए। उन्होंने आयांश के पिता ने यह भी बताया कि वो कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री के आवास गए और उन्होंने कहा कि मैं उनसे ये दरखास्त करके आया हूँ कि अगर मुख्यमंत्री से कुछ संभव नहीं हो पा रहा है तो वो हमारी जमीन ले ले और उसके बदले ही हमें पैसे और अपनी तरफ से कुछ सहयोग दे दे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयांश के परिवार वाले जो कि क्राउड फंडिंग की तरफ से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, जिसमें कि जितने भी भारत के लोग हैं और भारत से बाहर के लोग हैं वो अपनी तरफ से राशि उन्हें मदद राशि की मदद कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आयांश के इलाज के लिए केवल 6 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए हैं, जो कि बहुत कम राशि है। दरअसल आयांश की माँ नेहा ने बताया कि अभी तक क्राउड फंडिंग की मदद से केवल 6,25,00,000 रुपए इकट्ठे हुए हैं, जो कि बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि अगले 1 महीने तक अगर ये इलाज संभव हो पाता तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो पाता। लेकिन आयांश के पिता का कहना है कि जिस तरह से क्राउड फंडिंग की रफ्तार है वो बहुत धीमी है और अगर इसी की मदद ली जाए तो बहुत समय भी लग सकता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई मंत्री और नेता ने भी आयांश को जाकर देखा और उनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, इसके बावजूद अभी तक पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही तेज प्रताप भी गए थे और आयांश को गोदी में लेकर उनकी तस्वीर भी वायरल होती नजर आई, इसके बावजूद अभी तक 16 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि आखिर इस छोटे से 10 महीने के बच्चे के लिए कौन सामने आता है और कौन उसे उसकी मदद करता है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया।